नमस्ते बच्चों, कैसे हो बच्चों? मेरे नन्हे नन्हे छोटे बच्चे। अच्छा बच्चों, हमने यूकेजी में यानी पिछले पार्ट में प्रीवियस सेशन में क्या देखा था, आपको याद में है? हाँ बच्चों, पहले हमने स्वर देखा था, वोवल्स, उसमें उसके बाद मैंने क्या सुनाया था आपको? हाँ, उस वोवल्स में आने वाले, स्वर में आने वाले 5 अक्षरों को लेकर, आ आ ई उ, ये 5 अक्षरों को लेकर मैं आपको छोटा सा चित्र दिखाकर और उसके अर्थ को भी बोलकर दिया था, है ना बच्चों? उसके बाद मैंने क्या सिखाया था? हाँ, आपको पालतू जानवर डोमेस्टिक के नाम सब आपको बताया था, एनिमल्स के नाम बताया था, है बच्चों? 1 मिनट बच्चों, ये है आपका किताब, देख लीजिए बच्चों। हाँ, आपको तो मालूम है। और ये मैंने आपको अच्छा सा, ये 1 मिनट बच्चों, हाँ ये आके पिछले पार्ट में मैंने आपको चलाया था, ये याद में है ना स्वर? हाँ, कितने अक्षर है? 13, है ना बच्चों? हाँ, ये दिया था। और इसमें मैंने 5 अक्षरों को रोके शब्द के रूप में, ये देखो, आ से अगरबत्ती। अगरबत्ती आप लोग कहाँ के लेके जाएंगे, ये बोलो, याद दिलाओ। हाँ, मंदिरों में, मंदिर में घर में भजन करते समय अगरबत्ती जला के हम लोग भगवान की प्रार्थना करते हैं, है ना बच्चों? आ से अगरबत्ती। उसके बाद देखो, आ से आईना, मिरर। मिरर का मतलब क्या है? आ घर में सजाते वक्त, मेकअप करते वक्त, है ना बच्चों, नया ड्रेस पहनने के लिए, और फंक्शन में कोई जाएंगे तो नया ड्रेस पहनते हो, और बर्थडे फंक्शन के लिए नया ड्रेस पहनने से आप लोग कहाँ पे जाके देखते हो? आईना, मिरर, है ना बच्चों? इस प्रकार हम आ से आईना, और यहाँ पे देखो ई से इनारा, इसका और एक नाम है कुआं। कुआं का मतलब क्या है? वेल, ये गांव में रहता है, और यहाँ पे गांव के लोग क्या करते हैं? पीने का पानी, ड्रिंकिंग वाटर लेते हैं, है ना बच्चों? हाँ, ई से इनारा, इनारे का मतलब क्या है? वेल। ई से ईसा मसीह, आप लोगों को यूकेजी क्लास में मॉरल टीचर्स, हाँ मॉरल अध्यापक आके अच्छे अच्छे कहानी जीसस क्राइस्ट के सुनाते हैं, है ना बच्चों? ई से ईसा मसीह, जीसस क्राइस्ट। और ऊ से ये देखो क्या है? उपहार, गिफ्ट, है ना बच्चों? हाँ, उपहार में हमने क्या देखा था? हाँ, ये कहाँ कहाँ पे दिया जाता है? फंक्शनों में, बर्थडे फंक्शनों में, मम्मी पापा के वेडिंग डेज में, इस प्रकार उपहार। आप लोग स्कूल में कंपटीशन में जीतेंगे तो उसके लिए गिफ्ट दिया जाएगा, इस प्रकार ये मैंने आपको, हाँ, शब्दों के रूप में, उस अक्षरों के शब्दों के रूप में सिखाया था। आ से अगरबत्ती, आ से आईना, ई से इनारा, ई से ईसा मसीह, ऊ से उपहार। और देखो मैंने आपको, हाँ, पालतू जानवर, ये सब मैंने पिछले पार्ट में आपको बहुत सुंदर सिखाया था। ये क्या है? हाँ, कुत्ता। कुत्ता वफादार जानवर है ना बच्चों? हाँ, और घर की रखवाली करता है, पुलिस वालों के लिए चोरी में पकड़ने के लिए ट्रेनिंग दिया जाता है, उसे उसका मदद करता है कुत्ता, एक वॉचमैन के रूप में, हाँ रहता है ना बच्चों? हाँ, बिल्ली देखो बहुत सुंदर है, गांव में ज्यादा पाई जाती है क्योंकि गांव के लोग बिल्ली को, हाँ, पालते हैं और उसे बहुत अच्छा पेट एनिमल के रूप में प्यार से रख लेते हैं, लेकिन यहाँ पे सिटी में भी सब घर में कुत्ता और बिल्ली पाले जाते हैं, है ना बच्चों? हाँ, और उसके बाद ये क्या है? गाय। गाय एक अच्छा सा जानवर है, उपयोगी जानवर है ना बच्चों? और गाय पौष्टिक आहार देता क्या है? दूध, मिल्क देता है बच्चों के लिए, बड़ों तक हम लोग क्या पीते हैं? इसका दूध जरूर पीते हैं। और ये देखो बैल, किसान के लिए, फार्मर के लिए उपयोगी जानवर है, एग्रीकल्चर में यही फार्मर का मदद करता है बैल, इसे हम अंग्रेज में बुल्लक बोलते हैं। और ये देखो बकरी, मैंने आपको बोला था ना गोट, हाँ मेडिसिन है क्योंकि उसका दूध में जॉन्डिस जाता है, और उस दूध से वो मेडिसिन को उसमें कला के तमिल में पचेले बोलते हैं, हाँ उसे मिक्स करके वो दूध में, बकरी के दूध में देने से जॉन्डिस सर चला जाता है। हमारे महात्मा गांधी भी बकरी का दूध उस जमाने में पिया था। और घोड़ा देखो, तेज और क्लेवर जानवर है, बुद्धिमान है, चतुर है घोड़ा। हाँ, घोड़े में हम क्या करते हैं, है ना बच्चों? हाँ, सवार करते हैं, हॉर्स राइडिंग करते हैं, रेस में रहता है, शादी में बारात के लिए जाता है, इस प्रकार घोड़ा बहुत उपयोगी जानवर है, सब उपयोगी जानवर ही है ना बच्चों?
ये हमने पिछले पार्ट में देखा था, आज मैं आपको नए पार्ट में पहले स्वर सिखाऊंगी। ये देखो बच्चों, पहला वाला आ है, कैसे लिखना देखो आ, और दूसरा वाला आ, देखो मिस कैसे लिख रहे हो, देखो बच्चों हाँ और ई, हाँ कितना गैप छोड़ना है, एक उंगली का गैप छोड़ना, ई। घर में प्रैक्टिस करो बच्चों, वो एक मिनट बच्चों, उसके बाद वो, नेक्स्ट कृ, हाँ उसके बाद ये, उसके बाद आई, उसके बाद वो, उसके बाद एक मिनट बच्चों, ओ, उसके बाद देखो बच्चों लास्ट में अम, उसके बाद आ है, हाँ आ गए ना हम, वो पूरा कर दिया। ये घर में ऐसे प्रैक्टिस करो बच्चों। अच्छा बच्चों, ये कितने अक्षर है बोलिए, हाँ 13, कितने अक्षर है 13, इसे अंग्रेज में हम क्या क्या बोलते हैं 13 अक्षर, हिंदी में बोला जाता है और अंग्रेजी में लेटर्स, सॉरी बच्चों हाँ लेटर्स, देखो अक्षर अक्षर लेटर्स है ना बच्चों। अच्छा कितने अक्षर सही है 13 है ना बच्चों, मैंने पिछले पार्ट में भी आपको बोला था। अच्छा बच्चों आ आ ई ई उ ऊ क्र, ये आए वो आओ अब आ है। पिछले पार्ट में हमने यहां तक अक्षरों को लेकर शब्दों के रूप में पहले बोल कर दिया, आज मैं आपको और वो क्र ये आए चार अक्षरों को लेकर मैं आपको नए शब्द सिखाऊंगी और उसके चित्र भी मैं आपको बोलकर दूंगी। हाँ एक मिनट बच्चों, पहला वाला क्या है उसे, हाँ उसे क्या है ऊन, ऊन ऊन का मतलब क्या है, हाँ वूल, इस अंग्रेजी में हम वूल बोलते हैं, ये स्वेटर बुनने के लिए काम आता है ना बच्चों, ऊ से ऊन, और देखो बच्चों हाँ ऊ से ऊंट, ऊ से ऊंट, ये क्या रहता है राजस्थान में, रेगिस्तान का जहाज भी इसे बोला जाता है, रेगिस्तान का शिप है ऊंट कैमल, हाँ और उसका वाहन भी है वो। अच्छा बच्चों पहले ऊ से मैंने क्या शब्द सुनाया था ऊन वुल, ऊ से ऊंट, ऊंट का मतलब क्या है कैमल, आओ देखो बच्चों उसके बाद कृ का शब्द, कृ से क्या है कृ से कृषक, मैंने आपको बोला था ना फार्मर के लिए बहुत उपयोगी जानवर है और फार्मर इसी की वजह से एग्रीकल्चर फील्ड में प्लफ करते हैं, हाँ मिट्टी को बहुत अच्छा होगा, बैल को रख के प्लफ करके और क्या आता हमें चावल आता है ना बच्चों, इस प्रकार कृ से कृषक, कृ से कृतु, कृतु का मतलब क्या है सीजन, कितने सीजन है 4 सीजन है, देखो समर विंटर ऑटम फॉल स्प्रिंग, हाँ स्प्रिंग समर फॉल और क्या है ये विंटर, देख लो स्प्रिंग के लिए हिंदी में क्या है बहार और एक नाम है बसंत, समर को क्या है ग्रीष्म, विंटर को क्या है शरद, ऑटम को क्या है शरद, इसे हम क्या बोलते पूरे को कृत सीजन, हाँ कृ से कृषक, कृ से कृत, कृषक का मतलब क्या है बुल, हाँ कृत का मतलब क्या है सीजन। अच्छा नेक्स्ट देखो ये से हमें क्या बोलते हैं, ये हमारे लिए कितना घर है एक घर है, मैं कितनी हूँ एक हूँ, हाँ तुम्हारे मम्मी एक है पापा एक है, सब एक एक अलग 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 एक एक को मेंशन करने वाला को एक बोला जाता है, यहाँ पे देखो एक का चित्र है ओ एन ई वन, इस अंग्रेजी में हम आप लोग ऐसे ही पढ़ते हो है ना बच्चों, और ये से और एक शब्द सिखाऊंगी, ये से एक तारा, एक तारा ये क्या है मोनोकॉर्ड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ये उस जमाने में हमारी मीराबाई
बहुत अच्छा सा भजन करती थी, इसी से कृष्ण की बहुत अच्छा बोलती थी, है ना बच्चों? हाँ। और ये से एक, ये से एक तारा, उसके बाद देखो आई से हाँ ऐश्वर्य। पैसे के बगैर तो हम लोग जी नहीं सकते, है ना? आपके पापा हर वक्त काम पे जाते हैं और मंथली सैलरी लेके आते ना, है ना बच्चों? इस प्रकार पैसे से ही जिंदगी है, वही नहीं तो हम कुछ भी नहीं है। आज COVID-19 की वजह से पैसा बहुत मुश्किल हो गया, है ना बच्चों? आई से ऐश्वर्य हर इंसान के लिए मुख्य है। और आई से और एक शब्द क्या है? ऐरावत। ये देखो कहाँ पे ऐरावत? एक मिनट बच्चों, हाँ हाथी। हाथी बहुत बड़ा जानवर है, आप लोगों को हाथी पसंद है ना? आप लोग कहाँ पे जाके देखते हो? सर्कस में देखते हो और जंगल में है और डिस्कवरी चैनल में आप लोग हाथी को देखते हो। हाथी बहुत बड़ा जानवर है, उसके कितने पैर है? चार पैर है, छोटे आंख है और उसकी पूंछ होती है छोटी सी और उसका आकार बड़ा है। उसके दांत व्हाइट कलर में लंबे होते हैं और उसकी सुंड, सुंड का मतलब क्या है? ट्रम्पेट बोलते हैं ना, हाँ वो लंबा होता है। इस प्रकार हाथी बहुत पसंद जानवर है ना बच्चों आपके लिए? अच्छा बच्चों, आज मैंने आपको पूरे वो कृ ये आई, इसमें मैं आपने ये अक्षर को, चार अक्षर को लेकर नए शब्द बोल के एक बार मैं पढ़ के दिखा दी। हाँ एक मिनट बच्चों, हाँ यहाँ पे देखिए, उसे ऊन, ऊन का मतलब वुल, वुल WOOL वुल, है ना बच्चों? उसे ऊन वुल। और उसे क्या है? हाँ उसे क्या है? ऊन। यहाँ पे देखिए, हाँ रेगिस्तान का डेजर्ट शिप है, ऊन इज अ कैमल, है ना बच्चों? ओके, उसके बाद देखो बच्चों, हाँ और कृ से कृतु, सीजन। चार सीजन के नाम मैंने आपको बताया, हाँ स्प्रिंग बहार वसंत समर ग्रीष्म विंटर शरद एटम शरद, ये चार को हम कृतु सीजन बोलते हैं। कृषक बुल, हाँ फार्मर का एक अच्छा उपयोगी जानवर है। उसके बाद ये से ये वन, ये से एक तारा मोनोकॉर्ड इंस्ट्रूमेंट, आई से ऐरावत, हाँ एलिफेंट, आई से ऐश्वर्य। अच्छा बच्चों हम आप वाहन को देखेंगे, वाहन का मतलब क्या है ये आपको ओरल में मैं सिखाने वाली हूँ। वाहन को हम व्हीकल बोलते हैं, है ना बच्चों? वाहन ये है, व्हीकल है, हाँ यहाँ पे देखिए बच्चों, हाँ वाहन व्हीकल बोला जाता। और एक एक व्हीकल के नाम को मैं आपको आप बताऊंगी, हाँ आपको स्वर याद में है और मैंने जो शब्द दिया उसे याद दिलाओ। हाँ वाहन, ट्रेन, ट्रेन क्या है आप लोग? ट्रेन में इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? रेलगाड़ी, चू चुक चुक ऐसे आवाज करके जाती है ना बच्चों? आप लोगों को ट्रेन में आप लोग जाया होगा ना, हाँ पिकनिक में टूर में तुम्हारे गांव जाने के लिए भी हम ट्रेन का प्रयोग करते हैं। हाँ ट्रेन एक यूजफुल वाहन है, उपयोगी वाहन है। और यहाँ पे देखो हवाई जहाज, ये कहाँ पे जाते हैं? फॉरेन कंट्रीज, विदेशी। आप तो मुंबई दिल्ली को सब हम कहाँ जाते? एरोप्लेन में जाते हैं, हाँ इसे हम हिंदी में हवाई जहाज बोलते हैं। और शिप, शिप कहाँ पे रहता है? सागर सी में। और इतना बड़ा शिप रहता है ना, जहाज, है ना बच्चों? और ये पानी में तैरता है और ये भी विदेशी सब गांव के लिए जाता है। और ये क्या है? लॉरी, हाँ लॉरी तो आप लोग सब लोग देखा होगा सड़क में, हर वक्त येलो कलर में लॉरी जाता है ना बच्चों? हाँ उसमें गुड्स लेके जाते हैं, बहुत बड़े बड़े चीजों को लेकर जाते हैं। और यहाँ पे देखो कार, सब के लिए तो सब घर में अब कार है, सब कार में आप मम्मी पापा सब मिलके, आपके दोस्त फ्रेंड सब मिलके जाते हो, है ना बच्चों? कार। और ये क्या है? बस, बस तो आप लोग देखा, लेकिन आजकल COVID-19 की वजह से कोई भी बाहर नहीं जा रहा है ना बच्चों? बस भी नहीं है, टिपो भी नहीं है, कार भी नहीं है, हाँ टू व्हीलर ही है। और यहाँ पे देखो, हाँ साइकिल, हाँ आप लोग बाइसाइकिल रखा होगा, छोटे में चढ़ा होगा, बड़े में बाइसाइकिल, आजकल बाइसाइकिल टू व्हीलर ज्यादा
है ना बच्चों। हाँ साइकिल बाइसाइकिल, साइकिल हिंदी में भी बोला जाता। ये देखो हाँ टू व्हीलर मोटरसाइकिल मोटर गाड़ी, इसे हिंदी में बोला जाता मोटर गाड़ी है ना बच्चों। ये है वाहन के नाम है। और एक बार चला देती हूँ, एक देखो बच्चों रेलगाड़ी ट्रेन, हवाई जहाज एरोप्लेन, जहाज शिप, लॉरी लॉरी है हिंदी में, कार कारी है, और बस बसा बस बसी है अंग्रेजी में। साइकिल के लिए अंग्रेजी में हिंदी में भी साइकिल बोला जाता, और मोटर गाड़ी स्कूटर। हाँ ये अच्छा बच्चों, आज मैं आपको यहाँ पे पाठ समाप्त कर रही हूँ। मेरे नन्हे नन्हे छोटे बच्चे प्लीज बच्चों कोविड 19 पे बाहर मत जाओ बच्चों, घर में रहो। जो अक्षर मैंने आपको बहुत अच्छा तरह चलाया है और उसके वर्ड्स भी आपको मैंने शब्द भी बोलकर दिया है अर्थों के साथ, उसे हर वक्त याद दिलाए बच्चों। घर में जो असाइनमेंट्स कर रहे हो उसे पूरा कंप्लीट करो बच्चों। छोटे बच्चे मम्मी पापा का कहना मानो प्लीज बच्चों, अच्छा होमवर्क करो, असाइनमेंट्स करो। धन्यवाद।